असलकुम एवरी एवरीवन माई सेल्फ़ मोहसिन शफफाक फाउंडर ऑफ़ माहिर कंपनी बेसिकली आज मैं आपके पास एक uh, माहिर कहानी के साथ हाज़िर हुआ हूँ बड़ी एक्साइटमेंट थी आज ऑफ़िस में जब मैं आया मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो जब मुझे पता चला तो मैंने यही सोचा कि ये जो एक स्टोरी है ये ज़रूर uh, हमारे तमाम कस्टमर्स तक भी जानी चाहिए और uh, क्लीनर्स हैं हमारे टेक्नीशियंस वेंडर हैं उन सबको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि माहिर कंपनी सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं है जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है माहिर कंपनी ने पिछले तीन से चार सालों में अपने कस्टमर्स और अपने वेंडर्स की लाइफ में एक वैल्यू ऐड की है तो उसकी एक क्लियर एग्जाम्पल हमारे साथ राशिद मौजूद हैं

कोल्डली सिर्फ सोफा क्लीनिंग करके आपने कंप्लीट किए हैं जी तो तो क्या आपका मतलब ओवरऑल माहिर के साथ ये एक हजार ऑर्डर तो छोटा नंबर नहीं है जी तो क्या है। आपकी ओवरऑल इसमें कह लो कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा क्या कुछ सीखने को मिला इस टाइम में क्या आप हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनका आप काम करने जाते हो या जो आपकी तरह क्लीनर है टेक्नीशियन है उनके लिए क्या आपका आप मतलब जी जी माहिर माशाल्लाह अच्छी कंपनी है इसे मैंने ज्वाइन किया है पहले मेरा इतना अच्छा काम कोई भी नहीं था हुँ. तो जब से ये मैं सोफा क्लीनिंग माहिर कंपनी में आया हूँ तब से माशाल्लाह मैं जो है ना काफ़ी इनकम कमा रहा हूँ जो है ना काफ़ी अच्छा काम है और भी जितने भी भाई हैं सब कर रहे हैं लेकिन माशाल्लाह मैंने दो साल में तकरीबन हज़ार ऑर्डर जो है ना कम्पलीट किया है तो काफी अच्छा माशाल्लाह काम है जो है ना सेटअप सही हो गया मेरा वीडियो बनाने के मकसद भी हमारा यही है कि जब हमने माहिर स्टार्ट की थी ना जी तो हर बंदा यही कहता था जी लेबर क्लास सही नहीं चलेगी ये करेंगे वो करेंगे लेकिन मेरी अपनी एक स्ट्रगल में जो मैंने सीखा है कि सारे लोग बुरे नहीं होते नहीं, नहीं मतलब अगर आप सो हमारे पास टेक्नीशियन है तो तीन चार खराब होंगे लेकिन बाकी सब लोयल है ईमानदारी से काम करते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल आप है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी माहिर से पहले और माहिर आने के बाद क्या एक लाइफ थी मतलब जिंदगी किस तरह गुजर रही थी तो क्या आप उसमें क्या चेंज आया माहिर ने जो मैं एक चीज शुरू में कह रहा था कि माहिर सिर्फ एक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू एड किया कुछ एडिशन किया है ना वो क्या एडिशन है वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर ये पहले जो है ना मेरी करियाने की शॉप थी गाँव में ओके okay. तो वहाँ पे इतनी आमदन नहीं थी तो जो है ना मैंने फिर वो काम छोड़ दिया तो फिर माशाल्लाह मैं लाहौर आया हूँ लाहौर आया लाहौर कब आए थे तक दो हजार 2017 में आये दो हजार सत्रह मतलब माहिर तब नहीं थी जब आप थे तो फिर मुझे पता चला किसी ने बताया कि माहिर कंपनी जो है ना ये सर्विस देती है तो से ले से दो हजार उन्नीस तक आपने क्या हाँ जी सर तब तो माहिर नहीं थी तब आप कैसे? मैं पहले काम करता था लेकिन कभी एक बार किसी ने जाना तो किसी को एक दूसरे को कहना भी काम मिलता था महीने में एक दो चार काम गए गए। गए। हाँ जी, सिर्फ अच्छा। तो इतना काम नहीं था तकरीबन तो तो एक दो करता था महीने मिल जाते थे कभी चार मिले कभी एक कभी नहीं भी मिलता था वो लोग इतना नहीं जानते थे पहले फिर मैंने माहिर कंपनी जो है ज्वाइन की

लगातार काम किया ये अंदर छोड़ा भी है माहिर से लगातार। नहीं, नहीं, नहीं अभी भी माहिर के साथ हूँ माहिर तो बेसिकली आपको एक कर रहा है की तो बाकी मेहनत इनकी काफी है मतलब एक हजार ऑर्डर इन्होंने किया और क्लीनिंग सर्दी गर्मी हो पानी वाला काम है सर वो काम तो काम है तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी कंप्लेन आई हो कस्टमर से नहीं, अभी तक तो नहीं अल्लाह का शुक्र है कभी आपके सारे कस्टमर है। सेटिस्फाइड हैं जी बिल्कुल सेटिस्फाइड और कभी ऐसा कि किसी के गलती भी आपको जाके काम से ही करना पड़ा करता रहा हूँ काफी दफा मैंने किया काम जो पहले को खराब कर रहे थे, थे काम उसको मैंने जाके ठीक किया और क्या वो बंदे कंपनी से गए होते थे ये मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ या उनको कस्टमर ने डायरेक्ट बुलाया होता था नहीं उनको डायरेक्ट बुलाते थे कस्टमर जो है ना से से बुला लिया फिर फिर कंपनी करके उसी काम को दोबारा ठीक करवाना पड़ता था उन्हें अच्छा ये थोड़ी सी मैं बातियाँ क्लियर करता जाऊँ जो, जो हम अपने कस्टमर्स को रोकते हैं डायरेक्ट डीलिंग करने से या किसी भी बंदे को डायरेक्ट फ़ोन पे अप्रोच करके बुला काम कराने से तो वो मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है कि देखिए कंपनी के थ्रू जब कोई काम कर रहा होता है ना तो वो कुछ एस कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो काम उन्होंने करना होता है जब आप किसी को डायरेक्ट बुला के हमने काफ़ी इवन राशिद क्योंकि काफी देर से था, मैं पर्सनली भी इनको अक्सर माहिर की वीडियोस में देख चुका हूँ काम करते और क... ये भी होता था कि किसी कस्टमर की कंप्लेन आई है क्योंकि वो किसी ऐसे टेक्नीशियन को ड्रैग बुला के काम कर लेते थे शायद जो आप कंपनी में काम नहीं कर रहा होता था। सही है तो आप हमेशा जब ऑर्डर करें ऐप पे जाके ऑर्डर करें या हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करें बुकिंग अपनी स्केजुअल करें और वेरीफाइड टेक्नीशियन से अपना काम करवाएं या क्लीनर से आप डायरेक्ट बुला के अगर काम करवा लेते हैं उस पर एट देंट वो बंदा तो लाइबिलिटी नहीं लेता लेकिन आपको फिर कंपनी पे सारी लाइबिलिटी डालते हैं क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को हर पॉइंट तक जाके अकोमोडेट करें और इसीलिए हम अपने कस्टमर्स को हमेशा इस चीज से रोकते हैं कि आप डायरेक्ट डीलिंग ना करें किसी को डायरेक्ट फोन करके ना बुलाएं इवन आपको अगर कोई हमारा क्लीनर या टेक्नीशियन पसंद है कि उसका काम पसंद है कि वो अच्छा काम करता है तो आप अपनी जो ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन में उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास इस क्लीनर को भेजें और इंशाल्लाह हम उसी ही क्लीनर को भेजेंगे तो हमेशा जब भी आपने क्लीनिंग करवानी है मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ कराना है या सैलून सर्विसेज अवेल करनी है हमारी फीमेल्स कस्टमर ने तो हमेशा माहिर कंपनी की ऐप से आपने बुकिंग करनी है और ऑन टाइम हमारी सर्विसेज अवेल करनी है उम्मीद है कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा राशिद के लिए भी हमारी गुड विशेज हैं कि ये मजीद आने वाले टाइम में ऐसे ही माहिर के साथ काम करें और जहाँ इन्होंने दो साल में हजार ऑर्डर किया आने वाले टाइम में इनशाला एक साल में हज़ार ऑर्डर करें जी, तो अब यहीं पे एंड करते हैं अः उम्मीद है कि आ, हमारे कस्टमर्स को हमारे माहिर की जो कहानियाँ हैं वो पसंद आएंगी हम मज़ीद भी कहानियों के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे आज का जो ये है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफ़िज़